हमको लगता है कि अब देश में सुरबराहट शुरू हो गई है और बीजेपी के खिलाफ में माहौल बनता जा रहा है और आने वाला 2024 है उसमें जैसे भारत छोड़ अंग्रेजों भारत छोड़ो तो ये गद्दी छोड़ो भाजपा गद्दी छोड़ो कि जनता आ रही है। अरे भाई हम लोग की पार्टी की नेत्री हैं, नाराजगी किस बात का, घर में होता है तो हर घर में नाराजगी होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने कहा था पटना में आकर कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं मैं सबको समाप्त कर दूंगा और देश में केवल भाजपा ही रह जाएगी। तो उस पर कान खड़ा हो गया सभी विपक्षी पार्टियों को और अपने आप एकत्रित होने लगे लोग बीजेपी के खिलाफ। राजद नेता और बिहार विधानसभा विरासत समिति के सभापति भाई वीरेंद्र सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि देश की जो स्थिति है वो भयावह है, देश में महंगाई चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री ने रोजगारों को रोजगार देने का वादा किया लेकिन एक भी रोजगार को रोजगार नहीं दिया। गरीब खत्म हो जाएं ये सरकार चाहती है। बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के मुखबिरी किया करते थे, लोगों को फांसी दिलवाना, चाहे भगत सिंह का मामला हो या नाथूराम गोडसे, गांधी जी की हत्या कर दिया। ये नाथूराम गोडसे के खानदान हैं, ये अंग्रेजों के दलाल थे। देश की जनता सब अंग्रेजों को भगा सकती है, यह तो भारत के रंगरेज हैं। इसको चुटकी पर 24 में जनता भगाने का काम करेगी। अब बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। 2024 में ऐसा होगा कि जैसे अंग्रेज भारत छोड़ो नारा लगा था वैसे ही भाजपा गद्दी छोड़ो की जनता आ रही है, जिसका नारा हम लोगों ने नारा दिया है। कौन क्या है सब जानता है, ये पब्लिक है सब जानती है। वहीं सिवान के पूर्व सांसद महरूम मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी और राजद नेत्री हिना साहब के राजद से नाराज़गी के सवालों पर कहा कि हर घर में नाराज़गी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। का मिला बिहार विरासत विकास समिति के सभापति की हैसियत से मैं कमेटी के टूर में यहाँ आया हूँ और चूँकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते जहाँ भी जिले में जाता हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, समस्या सुनना और आप लोग से रूबरू होते हैं। और जो सरकार की स्थिति है, केंद्र की जो स्थिति है भयावह है, देश की स्थिति भयावह है, देश में महंगाई है चरम सीमा पर, बेरोजगारों को जो रोजगार देने का वादा किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, 7 साल से ज़्यादा हो गए, 8 साल होने वाले हैं और एक भी बेरोजगारों को रोजगार उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने चुनाव के वक्त में 14 में उन्होंने घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को मैं रोजगार दूंगा देश में। 8 x 16 करोड़ बकाया हो गया बेरोजगारों को रोजगार। लेकिन ये लोग जो आज एनडीए के लोग हैं, खासकर बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, वो अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, लोगों को फांसी दिलवाना, चाहे वो भगत सिंह का मामला हो, नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या कर दिया, ये वही खानदान है जो नाथूराम गोडसे के लोग हैं, ये अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिरी का काम करते थे। तो देश की जनता जब अंग्रेजों को भगा सकती है तो ये भारत के रंगरेज हैं, इसको चुटकी पर से 24 में जनता भगाने का काम करेगी। आज को उन्होंने चुनाव के वक्त में आकर बोलो कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना 1000 करोड़ चाहिए, बोलो डांक लगा रहे थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं मिला। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सदन में उठाया था मामला
कि देश में जातीय जनगणना हो ताकि हर जात को अपनी जाति की संख्या जानने का अधिकार है, और जो बजट का प्रावधान है उस बजट में हमारे जाति के विकास के लिए कितने पैसे लगाए जाते हैं। और सदन में भी दो बार हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए और जातीय जनगणना कराने के लिए। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उनकी अहम भूमिका रही है बिहार में जो जातीय जनगणना शुरू हुआ है उसमें साफ तौर पे उसके हीरो हैं माननीय उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और उनके पहल पर ही बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है और बिहार के सहित पूरे देश के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको भी एक आधार मिला और बिहार समाजवादियों का घर रहा है। और जो भी देश की आंदोलन, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, समाजवादियों की लड़ाई हो, वो बिहार से ही शुरू हुआ है और फिर बिहार से ही भाजपा के खात्मा करने के लिए 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन का गठन हुआ और उसमें नीतीश कुमार जी शामिल हुए और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और हमको लगता है कि अब देश में सुरबराहट शुरू हो गई है और बीजेपी के खिलाफ में माहौल बनता जा रहा है और आने वाला 2024 है उसमें जैसे भारत छोड़ अंग्रेजों भारत छोड़ो तो ये गद्दी छोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो कि जनता आ रही है, और इसका नारा हम लोगों ने दिया, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सहित सभी महागठबंधन के नेताओं ने नारा दिया है कि बीजेपी गद्दी छोड़ो कि जनता आ रही है। एकजुट है और एकजुटता दिखाई देने लगा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी आए थे और धीरे धीरे यहाँ के भी लोग जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, चाहे तमिलनाडु हो, सभी जगहों में, और एकता होती जा रही है और आपको दिखाई देने लगेगा 5-6 महीना के अंदर में कि विपक्ष एकजुट हो गया और बीजेपी को जाना तय है। देखिए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि मेरी फुल फॉर्म सरकार बन जाएगी तो 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। आज भी उस पर हम लोग कायम हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा किया कि जब नौजवान हमारे साथ है और इन्होंने वादा किया है जनता से कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे तो हम 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, और उस दिशा में सभी विभागों का मॉनिटरिंग शुरू हो गया है और आपको दिखाई देने लगेगा कुछ ही दिनों में कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। कोई मशीन नहीं कि ऐसे दावा और बेरोजगारी दूर हो गया। इतना दिनों का कोण जो है, अब सरकार बनी है, सब लोग अपने अपने विभागों में सब सर्वे कर रहे हैं किस विभाग में कितना नियुक्तियां हो सकती है। हमारे नेता इस पे तत्पर है और नौजवानों का भरोसा है तेजस्वी प्रसाद यादव पर, और आने वाला कल तेजस्वी यादव का होगा और नौजवान का नेता है और नौजवानों का भरोसा उन पर है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है हमारे नेता तक्षण, जब लाठीचार्ज हुआ और उन्होंने आदेश दिया कि जो लोग टीम गठित होके और दोषी को जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, रिपोर्ट आ गई है, कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने कहा था पटना में आकर कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं मैं सबको समाप्त कर दूंगा और देश में केवल भाजपा ही रह जाएगी, तो उस पर कान खड़ा हो गया सभी विपक्षी पार्टियों को और अपने आप एकत्रित होने लगे लोग बीजेपी के खिलाफ। आज केंद्र सरकार, खासकर मोदी जी, बीजेपी के लोग अपने विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा पराया जा रहा है और कहीं कुछ मिल नहीं रहा, उनका फेलियर है। कभी किसी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ता था
जो जानकारी नहीं होती थी कि सीबीआई किसी का छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लेकिन ये तो आने के पहले ही सबको मालूम हो गया कि ईडी और सीबीआई का छापा पड़ने जा रहा है विपक्षी पार्टियों को। बिहार जब अंगराई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है, इसलिए परिवर्तन की दिशा में हम लोग काम करना शुरू कर दिए। देखिए हत्या का दौर मैंने हर कोई भी राज, राम राज भी था तब भी हत्या होती थी, युद्ध हुआ करते थे, हत्या होती थी, ये दुखद बात है, मैं इसको दुखद बात मानता हूँ। किसी की भी हत्या होती है तो हम सभी लोग लगे हैं और हत्यारे को निश्चित रूप से सजा मिले, इस पर हमारा भी फोकस है और हमारी सरकार पर, सरकार का एक ही दो फोकस, तीन फोकस हमारा, हमारी सरकार को है। एक तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, दूसरा अपराध पर लगाम लगाना, और तीसरा बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा हम लोगों ने किया है उसको पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसको दिखाई देता देगा कुछ दिनों में, हम आपके माध्यम से, हम सभी आम आवाम से भी आह्वान करेंगे कि अपराधी जो लोग भी है उसकी सूचना संबंधित नेता या पदाधिकारी को देने का काम करें ताकि उस पर हम लोग अंकुश लगाए थे। अरे भाई हम लोग की पार्टी की नेत्री हैं, नाराजगी किस बात का, घर में होता है तो हर घर में नाराजगी होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लोग संकीर्ण भावना से राजनीति करते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं, उनके बारे में मैं क्या कहूं, कौन क्या है सब जानता है, पब्लिक है सब जानती है। इसलिए जो लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं आने वाले दिनों में उनको जैसे ये क्या कहलाता है उसको, पाड़ा होता है ना, पाड़ा का जब पटक के उसको अथी कर दिया जाता है, वैसे कर दिया जाए, जनता कर देगी।